ભરૂચમાં સમર્પણ ધ્યાન યોગ પરિવાર દ્વારા ગુરુ સાનિધ્ય અને રક્ષક વર્ષ 2019ના પોલીસ સ્ટાફ માટેના કાર્યક્રમમાં આવેલા નવસારીના શ્રી શિવકૃપાનંદ સ્વામી આશ્રમના સ્થાપક સ્વામી શિવકૃપાનંદે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં આધ્યાત્મિક અને યોગના વિષય પર વાર્તાલાપ કરી હતી. સ્વામી શિવકૃપાનંદે જણાવ્યું હતું કે સમાજમાં ધ્યાન યોગની પદ્ધતિથી શરીરને જ્ઞાન મળે છે અને ધ્યાન યોગ એક પદ્ધતિ નહીં પરંતુ સંસ્કાર છે તેમ જણાવ્યું હતું. एक समाधान प्राप्त करेंगे और ये कार्य को जन जन के हित पे पहुंचाए यही अपेक्षा के साथ आत्मा बस तो उसी को मंत्र बना दिया तो उसके बाद में क्या जैसा हम बोलते हैं समय कि वे पवित्र आत्मा दांडी में केवल योगासन योग को लेके जाने का दो चीजें थी. पहली बात तो एक ऐसा मंत्र है जो विश्व मान्य हो जिसके में जो केवल योगासन योग को लेके जाने का दो चीजें थी. पहली बात तो एक ऐसा मंत्र है जो विश्व मान्य हो जिसके में जो मंत्र है दूसरे कहां से निकाल है तो मेरे मतलब कोई उद्देश्य का फर्क कुछ भी नहीं पड़ता. कोई भी उपास पद्धति ऐसी है इसको बताया जा सके और इसको उपासना पद्धति के सभी लोग अच्छे हैं. सभी उपासना पद्धति में अच्छे भी लोग हैं पूरे भी लोग हैं. इन सब बातों का अध्ययन पिछले 800 सालों से हमारे से मुनि कर रहे थे संत कर रहे थे साधु कर रहे थे और उसके बाद में वो अध्ययन करने के बाद में उन्होंने देखा कि हमको एक ऐसा मार्ग खोजना चाहिए जो उपनिषदों पर आधारित नहीं है. इसलिए उन्होंने संस्कार का मार्ग खोला. ये पिछले 25 सालों में इतने विश्वभर में जो प्रचलित हुआ है विश्वभर में जो प्रसिद्ध हुआ है उसका एक ही कारण है. एक कारण है कि पहले बात तो इसके अंदर अनुभूति अनुभूति यानी अनुभूति हो जाने के बाद में उसको खुद को ऐसा समझकर कि वो एक मनुष्य है और जैसे ही मनुष्य का ऐसा समझकर उसके बाद में जितनी मनुष्य ने बनाई हुई सीमाएं जाति की धर्म की देश की